हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कोडन बायोलॉजी में। मैं गौरव एक बार फिर से आपके सामने हूं उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लेके जो आज 9 बजे अपलोड किया था। इसमें उसका सॉल्यूशन भी है और आंसर शीट भी है, आप उस स्कोर को मिलाइए। और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमें मेल कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला क्वेश्चन था, इफ द सिलेंडर ऑफ मास एंड रेडियस आर इज ट्रांसफॉर्म इन टू द डिस्क विद रेडियस 2R, देन द मोमेंट ऑफ इनर्सिया विल बी। तो हम जानते हैं कि किसी सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो होता है इसके मेन एक्सिस से, वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर। और किसी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है उसके मेन एक्सिस से, वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर। फर्क इतना है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो होता है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पहले जो था वो हाफ एम आर स्क्वायर था, अब इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया डिस्क में, तो ये हो गया हाफ एम आर के जगह पे 2R स्क्वायर हो गया। अगर R को दो गुना किया है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का। इसका मतलब है कि ये 4R स्क्वायर हो जाएगा m और हाफ, तो ये हाफ एम स्क्वायर तो इसका पहले ही था, यानी कि 4 गुना इसका बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए 20 मीटर लॉन्ग सिलेंडर हैज यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ 3 मीटर, टू व्हाट लेंथ ऑफ सिलेंडर शुड कट टू ऑब्टेन द पीस ऑफ 38 मीटर क्यूब वॉल्यूम। किसी सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच ऑफ 7 to the power 73। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको एक क्लू देते हैं हम कि हर एक का लास्ट डिजिट जो होता है, अगर 2 पावर होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा, 4 होगा तो क्या होगा, अगर 7 पे पावर होगा कितना भी एक्स वाई कुछ भी, तो इसका लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 9317। तो सवाल ये है कि इसका रिदम क्या है। तो आपको एक और क्लू देते हैं कि सबसे पहले अगर 7 to the power 0 होगा तो ये होगा 1, अगर 7 पे पावर 1 होगा तो ये होगा 7, अगर 7 पे पावर 2 होगा तो ये होगा 49, यानी कि 9 आएगा अंतिम में। अगर 7 पे पावर 3 होगा तो ये हो जाएगा अंतिम में 3 आएगा, 3 4 3 होता है। और 7 पे पावर 4 होगा तो ये फिर अंतिम में आ जाएगा 2 4 0 1, यानी कि 1। तो एक में आता है 7, दो में आता है 9, 3 पावर होगा तो आएगा 3, और 4 पावर आएगा तो 1। ये फिर से शुरू हुआ, यहाँ 7 पे 0 था तो 1 आया था, यानी कि हर चौथे पावर, यानी कि 7 पे पावर 4 होगा तो अंतिम में आएगा 1, अगर 7 पे पावर 8 होगा तो अंतिम में फिर आएगा 1, मतलब हर एक 4 के डिविजिबल पर इसका अंतिम पावर आएगा 1। तो 73 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में होगा, 18 टाइम अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 72, 18 × 4 = 72, मतलब कि 7 to the power 72 अगर करेंगे तो ये आएगा 1। और अगर इसके बाद 7 पे पावर जैसे ही 73 करेंगे तो इससे 1 है, तो 1 के बाद क्या आता है, 7। 1 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 7 आता है, इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 7 होगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगर आप ट्रिक को समझ गए हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप। 11797 पे पावर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पी इज द फादर ऑफ आर। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं, ये पी लिखे, पी इज द फादर ऑफ आर, तो पी का सन है आर, ये आर का फादर है पी, तो पी का सन हुआ। आपने पी डिग्री पढ़ी होगी, इसमें हस्बैंड वाइफ को ऐसे दर्शाते हैं, कपल को, उसका यूज करेंगे अभी। एक कोरिलेशन है, एस इज द सन ऑफ क्यू, तो यहाँ एस है जो कि किसका सन है, क्यू का, यानी कि क्यू का सन है एस। एंड टी इज द ब्रदर ऑफ पी, तो पी का एक भाई इधर लेते हैं, ब्रदर है टी, ये दोनों ब्रदर हैं। इफ द आर इज सिस्टर ऑफ एस, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर हैं। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू द टी, क्यू से टी का क्या रिलेशन है। आर का फादर पी है और एस का फादर क्यू है, और ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हैं। इसका मतलब कि ये कपल्स हैं, पी एंड क्यू आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, और ये दोनों आपस में क्या है, भाई है, पी एंड टी, यहाँ दिया है टी इज द ब्रदर ऑफ पी। तो इस क्यू का से क्या रिलेशन हुआ,
ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिफ्थ में, इफ द स्टेटमेंट सम मैन आर ऑनेस्ट, कुछ लोग ऑनेस्ट हैं, ये फॉल्स है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू, चूज द करेक्ट कोड गिवन बिलो। सम मैन आर ऑनेस्ट, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि गलत है। इसको प्रूव करने के लिए इस तीनों स्टेटमेंट से कौन सा सही होगा। पहला है कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट, अगर कुछ लोग ऑनेस्ट हैं ये गलत है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि सभी ऑनेस्ट हो, यानी कि एक नंबर क्या है सही है। दूसरा है नो मैन आर ऑनेस्ट, सम मैन आर ऑनेस्ट गलत है, कुछ लोग ऑनेस्ट हैं ये गलत है। हो सकता है कि कोई भी ऑनेस्ट ना हो, हो सकता है सब डिसऑनेस्ट हो, दो नंबर भी सही है। सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, अगर सम मैन आर ऑनेस्ट गलत है, इसका मतलब है कि सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट भी गलत होगा। ऑल मैन आर डिसऑनेस्ट, हो सकता है कि सभी मैन डिसऑनेस्ट हो, यानी कि स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट फोर ऑलमोस्ट सेम है, तो वन टू और फोर जो है वो सही है। वन टू और फोर, ऑप्शन फोर आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इन इंक्रीज बाय द 50%, द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल विल बी इंक्रीज बाय। रेडियस ऑफ पेरीमीटर, ये आर है, अभी क्या हो गया टू आर हो गया, तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है टू पाई आर, यानी कि पेरीमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आर का। अगर आर को 50% इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली उसका पेरीमीटर भी 50% इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन डी आर करेक्ट। चूज द प्रॉपर अल्टरनेटिव गिवन इन द कोड टू रिप्लेस द क्वेश्चंस। बी क्या प्रोवाइड करता है, हनी। कॉ क्या प्रोवाइड करता है, मिल्क। टीचर क्या प्रोवाइड करता है आपको, लेशन, यानी कि ऑप्शन थ्री आर करेक्ट। द मीन ऑफ फोर नंबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फोर इज 100, ये दिया हुआ है। सी 70 है, देन द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर, यानी कि ए प्लस बी प्लस डी प्लस 70 बाय फोर इज इक्वल टू 100 है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस डी प्लस 70 इज इक्वल टू 100 इंटू फोर। ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 400 माइनस 70 इज इक्वल टू 330। इन तीनों का सम कितना हो गया 330। तो मीन अगर निकालेंगे ए प्लस बी प्लस डी बाय 3 इज इक्वल टू ए मीन, तो ये जानते हैं 330 है बाय 3, यानी कि 110। ऑप्शन डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। क्वेटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से। आपको क्वेटो प्रोटोकॉल का हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। ये 11 दिसंबर 1997 में क्वेटो जापान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था, ए रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या है, रिसर्च पेपर है ए पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग बेस्ड ऑन इट्स ऑथर ओरिजिनल रिसर्च ऑन ए पार्टिकुलर टॉपिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, कंटेन ओरिजिनल रिसर्च एज डीम्ड बाय द ऑथर, ऑथर के द्वारा लिखा गया एक ओरिजिनल रिसर्च होता है ये, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये शॉर्ट समरी है आपके आंसर का, और आपके लिए तीन चैलेंज और हम दे रहे हैं। पहला चैलेंज है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड्स ऑफ आवर क्लॉक 7:35, और दूसरा क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है आप इसको पढ़िए और इसको बनाइए, और तीसरा क्वेश्चन है 11797 टू द पावर 2034, इसका कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इन तीनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए या मेल कीजिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तो बिल्कुल भी इस बार का डाउट क्लास ना छोड़ें जिसमें टॉपिक है इकोलॉजिकल नीड्स। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। हमारा मेल है p.gaurabkr@gmail.com, और इसका सॉल्यूशन एवरी मंडे को अपलोड किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।